हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिमाचल अलाइड सर्विसेज 2019 की कट ऑफ परसेंटेज के बारे में बात। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अलाइड सर्विसेज 2019 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 9 फरवरी 2020 को और इसमें टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो थे 37,149 कैंडिडेट्स। तो इनकी कट ऑफ परसेंटेज जारी कर दी गई है और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की गई है सभी के रोल नंबर और उनके मार्क्स के साथ। तो आइए देखते हैं अब इसकी कट ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले बात करें फॉर जनरल कैटेगरी 87.25, फॉर एससी कैटेगरी 61.25, एसटी कैटेगरी 78.75, ओबीसी कैटेगरी 68.50। सो अगर नॉर्मल कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे कम गई है इसमें 61.25 फॉर एससी कैटेगरी। सेकंड नंबर पे जो लोएस्ट कट ऑफ गई है वो है ओबीसी 68.50, देन एसटी 78.75 एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी 87.25। अब बात करते हैं वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो इसमें जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो कट ऑफ परसेंटेज गई है वो है 47.50। अगर बात करें बीपीएल कैटेगरी के हिसाब से सो फॉर एससी बीपीएल इट इज़ 44.75, एसटी बीपीएल 60, ओबीसी बीपीएल 45.75, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 69.50। तो अगर बीपीएल में बात करें तो लोएस्ट गई है फॉर एससी बीपीएल एंड ओबीसी बीपीएल सेकंड नंबर एंड देन एसटी बीपीएल, और EWS की है 69.50। तो इस तरह का कट ऑफ परसेंटेज रहा है 2019 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का अलाइड सर्विसेज में। जितने भी कैंडिडेट्स ने ये अलाइड का एग्ज़ाम दिया था वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करें। तो इतना गाइस आज की इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।